अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अननोन दुनिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या है, और आप सभी बखूबी जानते हैं कि रोनाल्डो दुनिया के वाहिद फुटबॉल प्लेयर हैं जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। इनकी इस पॉपुलरिटी की वजह से इनको हर कोई जानता है, मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको रोनाल्डो के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, क्या आप जानते हो रोनाल्डो का नाम असल में यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्डो रेगन का नाम देखकर रखा गया था। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही इनकी मेजर हार्ट सर्जरी हुई थी। दोस्तों, ये इतनी बड़ी सर्जरी है, इस सर्जरी के बाद इंसान का उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, लेकिन रोनाल्डो ने हार नहीं माना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोनाल्डो ने आज तक शराब को हाथ तक नहीं लगाया है, क्योंकि शराब पीने की वजह से इनके वालिद की डेथ हो गई थी। और तो रोनाल्डो सिगरेट भी नहीं पीते और अपने जिस्म पर टैटूज भी नहीं लगाते, क्योंकि रोनाल्डो एक साल में दो बार अपना ब्लड डोनेट करते हैं। दोस्तों, रोनाल्डो 2008 में यूरोपियन गोल्डन शूज के विनर बने थे, लेकिन गोल्डन शूज को ट्रॉफी रूम में रखने के बजाय इन्होंने इसे डोनेट कर दिया था। और इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो वो 3614 करोड़ रुपए है, और ये दुनिया के रिचेस्ट फुटबॉल प्लेयर हैं। दोस्तों, रोनाल्डो की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि जून 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनके सामने एडवर्टाइज के लिए रखी गई दो कोक की बोतल को रोनाल्डो ने हटा दिया। सिर्फ और सिर्फ कोक की दो बोतल को हटाने की वजह से कोको कोला की कंपनी को $4 अरब का नुकसान हुआ, यानी इंडिया के हिसाब से 29,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, ये थे रोनाल्डो से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको मैं बता चुका हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।